मैं हर्षिल व्यास, अरियन स्कूल ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट, आज आप सबके सामने मेरी कुछ थॉट्स लेके आया हूँ। और ये थॉट्स है द बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया, द गॉड ऑफ क्रिकेट एंड द स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, मतलब श्री रतन टाटा जी, सचिन तेंदुलकर जी और श्री प्रमुख स्वामी जी के बारे में। जब मैं इन तीनों की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तब इन तीनों की बायोग्राफी में से मुझे दो चीज़ें सबसे कॉमन लगी और बेहद प्रभावित भी कर गई। इन दो चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है हार्डवर्क एंड एम्बिशियस। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। इनकी लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ है। TCS कंपनी जो टाटा ग्रुप की है, वो 1997 के अंदर अनसक्सेसफुल कंपनियों में से एक रही। इसके अलावा टाटा ग्रुप की कई सारी गाड़ियाँ जैसे कि नैनो, इंडिका, ये भी अनसक्सेसफुल रही। प्रमुख स्वामी जी, उनको लंदन के अंदर टेम्पल बनाने की परमिशन नहीं मिली, स्कूल भी नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी वो वहाँ नहीं रुके। सचिन तेंदुलकर जी, उनके नर्वस 90s, सबसे ज़्यादा जीरो बनाने वाले प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और अनसक्सेसफुल कैप्टन रहे वो, लेकिन ये तीनों यहाँ नहीं रुके और कुछ ऐसा बाउंस बैक करके दिखाया पूरे दुनिया को कि पूरी दुनिया ही देखती रहेगी। TCS कंपनी आज सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में से एक बन चुकी है। टाटा ग्रुप की तनिष्क गोल्ड आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा ताज होटल्स, वो भी टाटा ग्रुप्स की है। TCS कंपनी, वो भी सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक रही है। सचिन तेंदुलकर जी, आज उनको द गॉड ऑफ क्रिकेट के तरह से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर। और प्रमुख स्वामी जी की हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और टेम्पल्स स्वामीनारायण ग्रुप के आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विश्व के कई सारे देशों के अंदर प्रेजेंट है। स्वामीनारायण फार्मास्यूटिकल, जेनेरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा कंपनी, गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी चीज जो मुझे इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, वो है लाइफ के अंदर जीरो बन के रहना। मतलब अब जीरो में से कुछ भी माइनस कर दीजिए, जीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीरो में से आप कुछ भी एडिशन कर दीजिए, जीरो के अंदर कुछ भी आप ऐड कर दीजिए, फिर भी जीरो को कुछ इतना फर्क तो नहीं ही पड़ता। लेकिन अगर आप जीरो को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो जीरो इनफाइनाइट बन जाएगा, जरूर याद रखिएगा। ये जो चीज है, ये मुझे बहुत ही प्रभावित कर गई है और ये मेरा थॉट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से नीचे एक लाइक बटन है, उसको जरूर से दबाइएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।